छत्तीसगढ़ में मूर्तिकला और मूर्तिकार, ये कला की आज वर्तमान में क्या स्थिति है, आइए आज इसका एक वानगी देखते हैं, एक जायज़ा लेते हैं। अब ना तो वैसे कलाकार बचे हैं मूर्तिकार, ना ही वैसे कद्रदान। आज रायपुर में ये कला काफ़ी सिमट करके रह गई है। माना और इसके आसपास के क्षेत्र में कुछ गिने चुने कलाकार हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं। समस्या तो अभी लकड़ी का है, जैसे पहले हम लोग झाड़ खरीद के उसमें कटाई करते थे, उसमें जो भी अपना सस्ता में पड़ता था, आजकल वो तो डर लग गया उसमें कहो झाड़ का। अभी उसके बदले हमको सराय का लकड़ी लेना पड़ रहा है, और सराय का लकड़ी बहुत महंगा हो रहा है, वही सबसे पैसा नहीं मिल रहा। दूसरा तो एक है बाँस, बाँस डिपो से हम लोग का थोड़ा सस्ता मिल जाता तो समस्या हल हो जाता, लेकिन वो तो हमारा जो रेट है वहाँ का वही रेट में खरीदना पड़ रहा है। बाकी सब सामान तो महंगा ही हो गया, उसी हिसाब से हम लोग का लॉजिक अच्छा है। महंगाई बढ़ने के कारण मूर्ति का रेट वो हिसाब से नहीं मिल पा रहा है जो हिसाब से मिलना चाहिए, और कारीगरों का रेट इतना बढ़ चुका है कि एक कारीगर अगर मान लीजिए अभी बुलाने जाएं तो 25,000-20,000 रेट है, तो साथ में रख करके कोई कारीगर को काम नहीं करवा सकते। अपन खुद जितना करें बस उतने ही में संतुष्ट रहना पड़ेगा। प्लास्टर फिनिश का जो काम चल रहा है उन लोग काम से सबसे समस्या वही है, जो बाहर से इन लोग आते हैं राजस्थान से और नागपुर साइड से, कहाँ कहाँ से इन लोग आके अली गली में बैठ गया है इन लोग, और इनके कारण हमारा सबसे समस्या मूर्ति में पड़ रहा है। आर्थिक स्थिति पिछले साल का हिसाब से बहुत ही खराब था सीजन, जिसके नाम से हर एक मूर्ति का नुकसान ही नुकसान है। लागत क्यों नहीं निकल पाई, मूर्ति पास गए सबके पास। अगर मान लो छत्तीसगढ़ शासन या मतलब संस्कृति विभाग इसको सपोर्ट करे तो ये समस्या बहुत बड़ी समस्या नहीं है सरकार के लिए। दरअसल सरकार इसमें कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार का इसमें कोई प्रकार का हाथ मतलब हाथ बटाऊं या इसको आगे बढ़ाऊं इस टाइप का नहीं हो पा रहा है। और अगर मान लो ऐसी अगर बात अगर आ रहा है तो ऑफिस का चक्कर काटते काटते कलाकार का मतलब पूरा जूता घिस जा रहा है। समय के साथ कालांतर में इतनी महत्वपूर्ण कला धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जा रही है, और इन मूर्तिकारों को भी उचित पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है। ऐसे में आशा की किरण है तो पीलू राम साहू और गोपाल दास जी जैसे लोग, लेकिन उनका ये कहना है कि ये एक ऐसी कला है जो साधना है, जो तपस्या है, जो लगन है, हर कोई नहीं कर सकता है। ऐसे में ज़रूरत है कि इस कला को हम आगे बढ़ाएं और ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन दें। इंडिया अनहर्ड के लिए मैं सरवत नकवी, रायपुर छत्तीसगढ़।